फरीदाबाद की एरा डिवाइन सोसाइटी के निवेशकों ने सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेशनल कंप्लेंट लॉ ट्रिब्यूनल ने जो IPR यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल निर्धारित किया है वो निवेशकों का साथ ना देकर बिल्डरों का साथ दे रहा है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके केस को NCLT से हटाया जाए। वहीं प्रदर्शनकारी निवेशकों का कहना है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए हुए करीब 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला। 2011 में बुकिंग कराई थी और इनका जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करते रहे। क्या 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 बताया गया था आपको, कितने दिन में कंप्लीट? ये बताया गया था कि हमको मैक्सिमम 3 साल में मिल जाएगा और अगर ज़्यादा देर रही तो 6 महीने के इन्होंने क्लोज भी लगाया हुआ था कि भी मैक्सिमम जो है 6 महीने और ज़्यादा लगेंगे। उसके बावजूद भी जब हम बार बार जाते रहे तो पैसे तो ये लेते रहे, मगर उसको इन्होंने उस लेवल पर बना के लेके नहीं आए थे। जब नहीं लेके आए तो हम लोगों ने इनसे क्वेश्चन भी किए थे, वो बोले जी किसी कारण बस दूसरे प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं तो इसको एक साथ में ही हम बना देंगे। मेरा नाम विवेक चौधरी है और मैंने एरा के अंदर एरा डिवाइन कोर्ट सेक्टर 76 में बुकिंग लगाई थी सन 2012 में। और इसमें जब से बुकिंग लगाई है मैं आपको बताऊँ, एक सोची समझे फ्रॉड का ही एहसास हो रहा है। हर बार एक फ्रॉड की ही स्मेल आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर से, जिसमें कि पहले बिल्डर ने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान इस तरीके से बनाया कि 50% पेमेंट पहले ही ले ली, ढांचा खड़ा दिखा दिया कि देखो बन तो रहा है, और मैक्सिमम लोगों ने देते भी रहे पेमेंट। फिर एकदम इसने 2014 में कंस्ट्रक्शन बंद कर दी और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। इस लोगों ने इससे पूछा, लोग जाते थे तो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को लॉस हो रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्डर एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसे बिल्डर ने हर पार करते थे, पैसा लिया एक प्रोजेक्ट से और दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी और बिजनेस में लगा दिया। फरीदाबाद में झुग्गी और खोखो को तोड़ने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दरअसल फरीदाबाद के सोहना रोड स्थित झुग्गी और खोखा तोड़ने के विरोध में लोगों ने ये डायलॉग नहीं बोले बल्कि सरकार को ये चेतावनी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन अचानक से झुग्गी और आसपास बने खोखो को तोड़ देने का मामला सामने आया, जिसके चलते सैकड़ों परिवार बेघर हो गए बल्कि कुछ लोग बेरोजगार भी हो गए, जिसका आज लोगों ने विरोध करते हुए सोहना रोड जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब माफिया के इशारे पर यहां तोड़फोड़ की जा रही है, ताकि शराब माफिया ठेके के साथ गुरुग्राम की तर्ज ठेका और अहाता बना सके। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि उनकी झुग्गियों को खोखो को वहीं रहने दिया जाए, वह यहां से किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, उन्हें यहीं जीना है और यहीं मरना है। प्रदर्शन करने का मेन हमारा मकसद यही है, जो गरीब लोग हैं जैसे हम लोग हैं और इन्हों का जो सारा तोड़ दिया है, झुग्गी या कोई भी दुकान किसी ने खोल रखी है या किसी ने खोखा खोल रखा है, हमको बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे, 15 साल हो गया है जिससे हमारा रोजगार चलता है, ठीक है, हमारे घर की रोटी इसी से चलती है। आज ये अगर तोड़ देते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया MCF वालों ने तोड़ा है या हुड्डा वालों ने तोड़ा है, तो उसका पहले कोई वो होना चाहिए ना, लेटर वगैरह के, भैया ये वहाँ से लेटर आया है हमें तोड़ने के, नगर निगम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, हमने परमिशन ले रखी है यहाँ पे दुकानों की, ये उन्होंने नहीं मानी है, परमिशन ले रखी है MCF से, हमने परमिशन ली है। फरीदाबाद में हरियाली तीज के कार्यक्रम में महिलाओं के हकों के लिए लड़ने वाली संस्था वुमेन लीगल एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रेनू भाटिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां उन्होंने सभी बहनों और महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और हरियाली तीज के त्योहार पर बात की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को उनके हकों के बारे में भी बताया, साथ ही उनके साथ ढोल की थाप पर डांस भी किया। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाली तीज के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मैं पूरे देशवासियों को, देश की हर महिला को और साथ में हर पुरुष को, क्योंकि हर घर में एक महिला है, बेटी है, बहन है, बहू है, तो हर पुरुष को भी हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक NGO द्वारा राधिका जी ने आयोजित किया, मैं राधिका का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी सभी बहनों को उन्होंने एकत्रित किया। और हरियाली तीज का क्या महत्व है, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे आसपास सभी लोग हरे भरे रहें, खुशहाल रहें, यही मुख्य रूप से हरियाली तीज का उद्देश्य रहता है। आप देखें, ये ऐसा मौसम है, बरसात का मौसम,
और सावन में हर चीज़ हरी हुई हरी होती है, जिसमें आप चाहे पेड़ पौधे देखें, आज इन दिनों में हम वृक्षारोपण भी करते हैं, इन दिनों में हमारे पेड़ पौधे भी बहुत फूले दिखते हैं, तरह तरह के फूल दिखते हैं। तो हरियाली तीज का एक अपना अलग महत्व है और हम इस बात को इससे जोड़ते हैं, जैसे हमारी ये धरती हरी भरी और हरियाली भरी हुई है, उसी प्रकार सभी के परिवार हरे भरे और खुशहाल रहे।